है देखने में, और कभी भी बनवाएं तो आप ऐसे बॉक्स दे के बनवाएंगे तो जो भी आपका सामान होगा दोस्तों इसके अंदर आप रख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद सवाल ये सवाल चलेगा तो ये आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे चमकते हुए दाने ग्रेनाइट में देखने को मिलेगी, ये गैलेक्सी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 8x5 का हम बाथरूम बनाते हैं तो हमारा क्या क्या बनने वाला है और क्या क्या इसमें डिजाइन की गई है, जैसे कि आप टाइल्स का देख रहे हैं और ये वेंटी देख रहे हैं, ये WPVC वाल नहीं हो गया है और ये विंडो हो गया है और वहाँ पास निश हो गया है और ये हमारा इतना छोटा सा अलमारी इसमें दी गई है और ये देख सकते हैं काउंटर बना हुआ है वुडन का। तो इन तीन चीज़ों को कैसे हम बना सकते हैं अपने बाथरूम के 8x5 में, जैसे कि दोस्तों पहले हम बात करते हैं टाइल्स की। जैसे कि टाइल्स आप देख रहे हैं ये डार्क कलर की इस जगह पे लगाई गई है, अब 3 फीट इसको वहाँ से यहाँ तक लगाई गई है और इस दीवार से भी 3 फीट यहाँ तक लगाया गया है। अब उसी के हिसाब से ये पूरा इसका फ्लोरिंग भी उसी हाइट से लगाई गई है। अब इतना एरिया हमारा ये डार्क कलर टाइल्स लगाई गई है ये देख रहे हैं। अब ये देख सकते हैं ये निश है और इस निश में मुझे एक टाइल्स लगाई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि एक और अच्छा लुक आ सके हमारे इस बाथरूम के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट लगाई गई है ताकि इसके अंदर एक रोशनी सी फीलिंग आए हमारे इस छोटे से निश में, ठीक। और दूसरा चीज़ दोस्तों ये हमारा जो शावर का एरिया है ये देख सकते हैं हमारा सीलिंग में इसको फिटिंग किया गया है शावर को, और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका सिस्टम दिया गया है और इसका नाइट रैप 4x4 की इसमें फिटिंग की गई है। अब हमारा वॉश बेसिन काउंटर टॉप जो स्पेस दिया गया है ये पूरा 3 फीट ये 28 इंच लंबा है, छोटा ही रखा गया है, हमारे पे जगह कम है और उससे छोटा हमारा ये कोल्हर का वॉश बेसिन काउंटर टॉप इसको रखा गया है। अब हमारा वॉश बेसिन इस साइड सेट हो गया है। अब आता है WPVC वाल जो हमारे इस वाल पे देख सकते हैं ये दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाजे के जस्ट साइड वाली दीवार पे इसको फिटिंग किया गया है, इसका भी आप एक आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ से इसका फ्लोरिंग टाइल्स देख सकते हैं यहाँ से लगती हुई इस वाल तक गई हुई है और इस वाल पे लाइट कलर टाइल्स को फिटिंग की गई है और इस वाल पे भी लाइट कलर टाइल्स फिटिंग की गई है। अब दोस्तों जो इस पे ग्रेनाइट लगाया गया है ये ग्रेनाइट आप लगवा सकते हैं, ये गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट है, इसमें देखिए आपको दाने दाने देखने को मिल जाएंगे ये आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे चमकते हुए दाने ग्रेनाइट में देखने को मिलेंगे, ये गैलेक्सी है। अब देखिए इसमें जो सिस्टम पूरा है ये कंप्लीट है, ये बेसन हो गया और ये WPVC वाल हो गया, ये देख सकते हैं कोलर का लगा हुआ है ये, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये,
तो कूलर का लगा हुआ है, इसका जितना प्लम्बरिंग का वर्किंग है आपका, हम शावर दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए शावर, ये शावर चलेगा तो ऐसे आपका पानी निकल के गिरेंगी और आप इसका मजा ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका पानी शावर का एरिया, बहुत मजा आएगा जब इसमें खड़े होकर नहाएंगे, आपको बारिश वाली फीलिंग आएगी। और इसमें देखिए दोस्तों जो इसकी फुल सीलिंग बनी हुई है, इस जगह पे प्रोफाइल लाइट लगाई गई है ये, ठीक। और ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे प्रोफाइल लाइट दी गई है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा जो शावर का एरिया है दोस्तों, इस जगह में भी प्रोफाइल लाइट अंदर से इस कोप के अंदर दी गई है, ये देख सकते हैं। और ये इतनी लाइट सामने दी गई है, अभी ये चालू नहीं है, अभी ये चालू हो जाएगी उसके बाद देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पास ग्लास लगेगा तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्लैक हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और कभी भी बनवाएं तो आप ऐसे बॉक्स दे के बनवाएंगे तो जो भी आपका सामान होगा दोस्तों इसके अंदर आप रख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ओके माय फ्रेंड।